कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। और आगे ये मेरा रिसेप्शन का ब्लॉग, हाँ जी ये है मेरा रिसेप्शन का ब्लॉग और यहाँ से हुई मेरी एंट्री।
सो गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमारी एंट्री हुई थी कुछ स्पेशल, जिसमें ये पाइप बैंड वाले को बुलाया गया था उस टाइम। ये मतलब कि एक ऐसा ये बैंड था जिसको देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि पहली बार देखे हैं। ऐसा नहीं हुआ था मेरे वहाँ, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, यहाँ भी शायद किसी के वहाँ नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम हमारे रिसेप्शन में ये चीज़ अरेंज किया गया था। हर एक चीज़ को स्पेशल बनाने की कोशिश की गई थी। और आज भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत खुशी भी होती है कि उस टाइम भी मेरा रिसेप्शन इतने अच्छे से हुआ था। पापा जी मुझे बहुत ही इमोशनल गिफ्ट दिए थे उनके ऑफिस से, जो भी मिनिस्टर लोगों के साथ जैसे भी बहुत अच्छे से जो स्पेशल फ़ोटोज़ थे और भी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे दिया हुआ था वहाँ पे पार्टी में मेरी स्टेज पे। शादी के टाइम पे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी जो थे वो थे राष्ट्रपति, उनको भी इनवाइट किया गया था हमारे रिसेप्शन में, और बहुत सारे मिनिस्टर लोगों को भी इनवाइट किया गया था। बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे पापा जी के साइड के, यानी मेरे ससुराल साइड के जितने सारे लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, सब लोग इन्वॉल्व थे इस पार्टी में। सारे लोगों को अपने एक एक करके आप आगे देखोगे, बहुत सारे लोग थे मेरे शादी में, मेरी इस पार्टी में। बहुत ही स्पेशल था, आज भी देख के बहुत खुशी होती है। स्पेशल मोमेंट तब था जब मेरी फैमिली आई और उन्होंने मुझे यहाँ पर देखा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे जो पापा चाचा घर वाले जो है ना मायके वाले, वो 2 दिन तक रोते रह गए थे। 16 को शादी थी, गिरने संभलने लगे जब से है 18 को मेरा रिसेप्शन था, तो 17 और 18 रात तक रोए वो। इसका रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है बेटी की विदाई के बाद लोगों को कितना हर्ट होता है, लोग इतने दुखी होते हैं। खुशी होती है बेटी को विदा करने के लिए, लेकिन एक बिछड़ने का दुख होता है। लेकिन जब वो यहाँ पे आए ना और उन्होंने मुझे ऐसे खुश देखा, तब जाके वो शांत हुए। और ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली थी कि पापा चाचा लोग बहुत रो रहे थे यहाँ देखने के बाद। वो लोग मतलब उनको तसल्ली हुई कि एक हो जाता है ना माँ बाप को कि अपनी बेटी को देख के वो इतनी खुश है, इतने अच्छे घर में चली गई है, इस जगह पे चली गई है, तो टेंशन मुक्त हो जाते हैं। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, हमारे रिसेप्शन का अरेंजमेंट कैसा लगा, क्योंकि बेस्ट किया गया था, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया था। मेरी फैमिली भी देख के बहुत खुश हुई थी, जो मेरी फैमिली से गांव से भी जो लोग आए थे वो, उसमें से भी कुछ लोग आए हुए थे वो भी बहुत खुश थे ये सारी चीज़ें देख के। हमने कपल डांस किया, ऐसा नहीं कि उस टाइम हमारी शादी हुई थी तो हमने नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा रिएक्शन से फिर बात करने के बाद कि शायद हम पहले ऐसे कपल थे जिन्होंने सबके सामने ऐसे डांस किया था। उसके बाद ही हमारी फैमिली मेम्बर में, मतलब मैं अपने से रिलेटेड सारे लोगों की बात कर रही हूँ, कि लोगों का ऐसे मतलब शादी के टाइम पे ऐसा कपल डांस या कुछ भी ऐसे देखने को इस मिला। दिन से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरी है, जैसे कि मेरी एक बहन की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और मेरी जो आप मेरे फिंगर में देख रहे हो ना, मैंने बहुत सारे गोल्ड रिंग पहने हुए थे, जिसमें से एक जो बड़ी वाली रिंग है वो खो गई थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद वो रिंग मिल गई, मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी। कहने को हो जाता है ना शादी वाले दिन या रिसेप्शन वाले दिन गोल्ड खो गया, तो वो चीज़ नहीं हुआ, मिल गया। सबको देख के कितना अजीब लग रहा है ना, सब कैसे कैसे थे और आज कैसे लग रहे हैं, मतलब सब कुछ ही बिल्कुल चेंज हो चुका है, हर लोग चेंज हो चुके हैं। ये मेरी चाची है, ये पहले आई थी, उसके बाद मेरी मम्मी आई हुई थी, क्योंकि मेरी जो उस टाइम बहुत ऐसा लगता कि डिस्टेंस है, लोधी रोड कर फरीदाबाद की जगह बहुत डिस्टेंस लग रहा था। यहाँ मम्मी आई, मम्मी बहुत इमोशनल थी, मैं भी रोने लग गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ से ले गए, मेरी बड़ी मम्मी भी आई हुई थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत स्पेशल था, इतना बड़ा केक आया हुआ था, केक कट हुआ, हम सब ने एक दूसरे को केक खिलाया। आप मेरे मायके की फैमिली और ससुराल की फैमिली को यहाँ देख सकते हो, सब कितने खुश है। और बहुत ही स्पेशल चीज़ें थी दोनों तरफ से, दोनों भाइयों की, यानी इनके भी भाई और मेरे भी भाई, किस तरीके से केक खिलाए वो भी आपको देखने को मिला। लास्ट में आपको कपल डांस देखने को मिला, जिसमें मैंने अपने सासू माँ के साथ भी डांस किया हुआ है। यहाँ आप मेरे पापा को देख सकते हैं कितने खुश हैं, शादी के टाइम पर भाग दौड़ के चक्कर में उनकी हेल्थ कैसी हो गई है देख रही हूँ, तो बहुत
बहुत मतलब बहुत रोना भी आ रहा है, और मैं उस स्थिति को समझ सकती हूँ, शायद हर लड़की समझ सकती है कि एक बाप के ऊपर उस टाइम कितनी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ मेरे भाई की खुशी भी आप लोग देख सकते हैं, एक स्पेशल मतलब वो मुझे हर चीज़ में स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहा था। सब कोई मेरे मायके से, 15-16 लोग हैं मेरी फैमिली में, मायके में वो सारे लोग जो अपने हैं, मेरे पापा और 3 भाई, वो सारे लोग आए हुए थे। और ये केक खिलाने का तरीका देखो दोनों भाई का। चेहरे की शर्म है गाइस। तो ये था मेरा रिसेप्शन का वीडियो। अभी आपने जिनको देखा पर्पल साड़ी में, वो मेरी जेठानी जी हैं, सबसे बड़ी हैं, जो पापा जी के सबसे बड़े भाई हैं, उनके सबसे बड़ी बहू, यानी हमारे में सबसे बड़ी जेठानी वही है। उसके बाद ये पति देव जी के फ्रेंड्स हैं सारे। व्लॉग कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल मोमेंट थे सारे। आप लोगों को इसमें से सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा, क्या अच्छा लगा, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरे रिसेप्शन का जो अरेंजमेंट था वो कैसा लगा। मैंने जो भी चीज़ें पहनी हुई थी, कुछ भी इसमें मेरी चॉइस कुछ नहीं थी, सब ससुराल वालों की थी। रिसेप्शन की तैयारी जो होती है ससुराल वाले ही करते हैं, और सारी चीज़ें जो है वो भी वही अरेंज करते हैं कि उन्हें अपनी बहू जब आएंगी तो फर्स्ट टाइम रिसेप्शन जब करेंगे तो क्या पहनाएंगे, किस तरीके से पहनाएंगे। तो मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब डेली ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू रहेगा। बाय बाय।